नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी सिस्ट के बारे में। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी किडनी के ऊपर सिस्ट को लेकर परेशान होते हैं और उन्हें पता कब लगता है, जब वो कभी किसी कारण से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उनकी रिपोर्ट में लिखा होता है कि सिस्ट बनी हुई है, परेशान हो जाते हैं। तो ये जो सिस्ट है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट के बारे में। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट आया हुआ है तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत है भी और नहीं भी, क्योंकि सिस्ट आपकी किडनी को तब नुकसान पहुंचा सकती है जब उसका साइज बड़ा हो। और सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट हर तीसरे इंसान की किडनी पे देखने को मिल जाती है। ये जैसे हमारे बॉडी पे कई मस्से बन जाते हैं, ये वैसे ही होता है, बट अगर ये किडनी पे इसका साइज बहुत बड़ा है तो उसके दबाव की वजह से किडनी को नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कितना बड़ा साइज हो कि वो किडनी को नुकसान करे, कहां पर हमें चिंता करने की जरूरत है, कहां पर नहीं। तो किडनी का साइज होता है 10 सेंटीमीटर। अगर आपकी किडनी के ऊपर जो सिस्ट है उसका साइज 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, यानी 30 मिलीमीटर उससे बड़ा साइज आपका सिस्ट का हो रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत परेशान होने की और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। मगर अगर आपकी किडनी के ऊपर जो सिस्ट का साइज़ है वो 10 mm का या 15 mm का है तो वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 30 सेंटीमीटर के आसपास सिस्ट का साइज़ आ जाता है तो किडनी का 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट सिस्ट कवर करना शुरू करती है। और अगर इसका साइज़ और बड़ा हो जाए, मान लो 5 सेंटीमीटर या 50 mm के आसपास पहुँच जाए, तो वहाँ पर हमें किडनी में डैमेज भी देखने को मिल जाता है। तो ज़रूरी है कि बीमारी को समझो और उससे आपको नुकसान होगा या नहीं होगा उसको भी इवैल्यूएट कर लो। अगर सिस्ट का साइज बड़ा है 30 mm या फिर 3 सेंटीमीटर से बड़ा है तो वहाँ पर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर उससे छोटा साइज है, यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रहा, क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ा हुआ, तो वहाँ पे परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल वहाँ पे बदलने की कोशिश करो कि आपकी बॉडी पे फैट कम हो, एक्सरसाइज करो, वो फैट निकलेगा तो सिस्ट का साइज भी उम्मीद करते हैं कि छोटा होगा। अगर नहीं होगा, हम हैं आपकी हेल्प पूरी करेंगे। अब दूसरी जो सिस्ट हमें देखने को मिलती है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के पेशेंट में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या होता है? अब आपकी स्क्रीन पर एक हमें इमेज रखी है, इस सिस्ट को देख, इस किडनी को समझने की कोशिश करो। इसमें सिस्ट बहुत सारी हैं, जगह जगह हैं, अंदर भी है, बाहर भी है। इन सिस्ट की वजह से किडनी का साइज ही पूरा का पूरा बड़ा हो गया, जबकि सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट के अंदर किडनी का साइज बड़ा नहीं होता। किडनी तो उतनी की उतनी थी, उसके ऊपर सिस्ट बनी थी। जैसे ये मान लो किडनी है, बहुत गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको इस तरह से समझो कि ये किडनी है, इसके ऊपर सिस्ट बनी है तो किडनी का साइज उतना ही रहा। बट अगर इसके अंदर किडनी के अंदर सिस्ट बननी शुरू हो जाएगी तो ये ऊपर की तरफ धकेल दी जाएगी और सिस्ट का क्या होगा, किडनी का साइज जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर किडनी का साइज आपका 12 सेंटीमीटर से ऊपर आ रहा है, उसमें बहुत सारी सिस्ट नजर आ रही हैं, तो वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये बीमारी हमें माँ बाप से जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। आपके पेरेंट्स में किसी न किसी को सिस्ट की दिक्कत हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की, और उसकी वजह से आपके अंदर भी देखने को मिल रही है। अब जब ये सिस्ट फॉर्मेशन होती है तो सिस्ट किडनी की क्योंकि अंदर भी बनती हैं, इसकी वजह से जो अंदर जो खून को फिल्टर करने वाले हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं उन पर भी दबाव बनता है। अब जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं ये प्रेशर पे काम करते हैं, जब ये प्रेशर पे काम कर रहे हैं, अंदर से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो क्या होता है कि उनकी जो छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उन पर दबाव की वजह से वो ढंग से काम नहीं कर पाती और हम क्या देखते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो गया। इनको जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं दोनों सिस्ट को, तो दोनों सिस्टम में फर्क होता है। सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट एक कॉन्टिन्यूस लाइन की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप सिस्ट पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब यहीं पर आप पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट को देखो, उनकी किडनी को देखो, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आपकी आइडेंटिफाई हो चुकी है तो आपको day 1 से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। आपको पता लगा, अपना सिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू कर दो। क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं। आपकी यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बट आपको ये पता है कि सिस्ट बढ़ते 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 आपकी किडनी को पूरा खराब कर देगी, तो जरूरत क्या है, day 1 से ही इसका ट्रीटमेंट शुरू करना। वहीं पर सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट में कंडीशनल होता है ट्रीटमेंट, अगर जरूरत है तो देंगे, नहीं है जरूरत तो आपको मना कर देंगे या कि आपको ट्रीटमेंट की किसी टाइप की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। क्या बदलाव करना है अपने लाइफस्टाइल के अंदर, क्या आपने वेट लूज करना है, वो हम आपको बता देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप दोनों ही टाइप के सिस्ट के बीच में डिफरेंस वो समझ गए होंगे, उनको आपने देख भी लिया होगा,
किस सिस्ट पे हमें एक्शन लेना है, किस पे हमने एक्शन नहीं लेना, वो भी आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ, मेरी पूरी टीम अवेलेबल होती है, उनकी हेल्प से आप अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।